हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो स्वागत है आप सबका आईपीएल स्क्वाड प्रीव्यू सीरीज की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल की नए नवेली टीम के बारे में, जो कि हो चुके हैं पंजाब किंग्स। पहले इनको कहा जाता था किंग्स 11 पंजाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम की इस साल की आईपीएल की नई साइनिंग्स के बारे में। तो इस साल टीम ने कुल 9 नए प्लेयर्स को साइन किया इस साल की आईपीएल ऑक्शन के अंदर, जिसके अंदर 5 बड़े नाम है, जे रिचर्डसन, राइली मेरेडेथ, मोजेस ऑनरिक्स, डेविड मलान और फेबिन एलन। टीम ने जे रिचर्डसन के लिए 14 करोड़ रुपए दिए, राइली मेरेडेथ के लिए 8 करोड़ रुपए दिए, मोजेस ऑनरिक्स के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए, डेविड मलान के लिए दिए 1.5 करोड़ रुपए और फेबिन एलन के लिए टीम ने दिए 75 लाख रुपए। अगर मैं बाकी 4 प्लेयर्स के बारे में बात करता हूं तो उनके नाम है शाहरुख खान, झलक सक्सेना, सौरभ कुमार और उत्कर्ष सिंह। अब हम बात कर लेते हैं टीम की फुल स्क्वाड के बारे में, तो वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो काफी सारे नए नाम आपको दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वापस से केएल राहुल कप्तानी करेंगे टीम के, जरूर से पंजाब की टीम अपना पहला खिताब की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो अब हम सीधे चलते हैं टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टीम की स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम का टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप, जिसमें कुछ काफी बड़े सितारे होने वाले हैं। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, इन दोनों ने पिछले साल काफी कमाल की ओपनिंग करी थी टीम के लिए। केएल राहुल ऑरेंज कैप होल्ड रहे थे, हालांकि स्ट्राइकरों को ध्यान देना पड़ेगा, और मयंक अग्रवाल ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी पिछले साल के आईपीएल के अंदर। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने फॉर्चून चेंज किए थे इस टीम के, एक जेन्युइन T20 के मैच विनर हैं और इस साल पीएसएल में भी काफी शानदार खेले थे। निकोलस पूरन इस टाइम पे T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहेंगे, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्राइकर रह सकता है। उसके अलावा फील्डर काफी शानदार है, डेविड मलान को भी टीम ने साइन कर लिया है अभी के टाइम पे, दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैट्समैन है। उसके अलावा मोजेस ऑनरिक्स भी टीम के अंदर है। तो इस टीम के पास कुछ काफी बड़े नाम है टॉप ऑर्डर के अंदर, और जहां ये मुकाबले खेलने वाले हैं, मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता में, यहां ये लोग काफी कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं अगली स्ट्रेंथ के बारे में, तो जहां ये टीम खेलेगी वहां पे तेज गेंदबाजों की जरूरत पड़ेगी, और इस टीम के पास कुछ काफी कमाल के तेज गेंदबाज होने वाले हैं इस साल के आईपीएल के अंदर। मोहम्मद शमी ने पिछले साल भी काफी कमाल की गेंदबाजी करी, 140 से ऊपर गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट टेकर है। जे रिचर्डसन इस साल बिग बैश के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, उसके अलावा वो बल्लेबाजी लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। राइली मेरेडिथ ने अभी न्यूजीलैंड वर्ल्ड टूर में काफी कमाल का डेब्यू किया था, 145 से ऊपर क्योंकि क्षमता है गेंदबाजी करने की, और क्रिस जॉर्डन भी एक और काफी कमाल के तेज गेंदबाज होंगे इस टीम के लिए। तो इस टीम के पास कुछ काफी शानदार तेज गेंदबाज हैं, और जरूर से इन ट्रैक्स के ऊपर ये काफी बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी काफी स्ट्रांग पार्ट होंगे पंजाब की इस टीम का। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं टीम की वीकनेसेस के बारे में। तो टीम की सबसे पहली वीकनेस है इंडियन ऑलराउंडर्स की कमी होना। भले ही टीम ने इस बार शाहरुख खान को साइन किया 5 करोड़ में, पर वो उतनी गेंदबाजी नहीं करते, मेनली वो हिटिंग ज्यादा करते हैं बल्लेबाजी से। झलक सक्सेना भी है, पर वो उतने आईपीएल ज्यादा खेले हुए नहीं है, ये दिक्कत पिछले साल भी आई थी, इसलिए 5वां बॉलर की कमी होती है इस टीम के अंदर। ऐसा कोई इंडियन प्लेयर नहीं है जो कि चारों ओर गेंदबाजी भी कर पाए और बल्लेबाजी भी कर पाए, जरूर से इस साल ये दिक्कत टीम को काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। और अगली दिक्कत है बॉलिंग में एक्सपीरियंस ना होना, कुछ काफी अच्छे गेंदबाज है पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मोहम्मद शमी के अलावा एक्सपीरियंस दिखता मुझे ज्यादा नहीं है इस टीम के अंदर। जे रिचर्डसन पहली बार आईपीएल खेलने वाले हैं, राइली मेरेडिथ पहली बार आईपीएल खेलने वाले हैं, ईशान पोरेल ने इतने आईपीएल के मुकाबले खेले नहीं है, अर्शदीप सिंह ने स्टार्ट अच्छा किया पर वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक दिक्कत की बात है। इनकी गेंदबाजी में इनएक्सपीरियंस दिखता है, आपको ज्यादातर तेज गेंदबाजी खिलाने पड़ेंगे, इस वजह से ये इनएक्सपीरियंस दिक्कत दे सकता है पंजाब को सर डेथ ओवर्स के अंदर, जो इसका काफी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो इंडियन ऑलराउंडर का ना होना और बॉलिंग में एक्सपीरियंस ना होना, तो बड़ी दिक्कतें होंगी पंजाब की इस टीम के लिए। तो
अब मैं आपसे बात करता हूं पंजाब किंग्स की प्रिडिक्टेड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहां हमको पांचवें गेंदबाज की कमी साफ साफ दिख जाएगी, हमको कुछ प्लेयर्स मिला के उनके ओवर्स निकलवाने पड़ेंगे। तो ओपन में कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करेंगे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। नंबर तीन में मेरे सबसे खेलने वाले हैं डेविड मलान। मलान ने इंडिया में काफी क्रिकेट खेला, इस वजह से मेरे को लगता है कि गेल के ऊपर मलान को तरजीह दी जाएगी स्टार्टिंग के मुकाबलों में। नंबर चार पे निकोलस पूरन, नंबर पांच में मोइज़ ऑनरिकेस। निकोलस पूरन काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और ऑनरिकेस आपको बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी करेंगे, इस वजह से नंबर पांच पे अच्छे पिक होने वाले हैं। नंबर छह पे दीपक हुड्डा और नंबर सात पे शाहरुख खान। दीपक हुड्डा ने पिछले साल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, शाहरुख खान के लिए टीम ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, वो लंबी लंबी हिटिंग मारते हैं। तो दीपक हुड्डा, शाहरुख खान और ऑनरिकेस मिलके अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और मेरे चार गेंदबाज होने वाले हैं जे रिचर्डसन, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई। हमारे आखिरी ओवरसीज प्लेयर होंगे जे रिचर्डसन, जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और 14 करोड़ में उनको टीम में शामिल किया गेंदबाजी के लिए। मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, ये मेरे तीन भारतीय गेंदबाज होंगे। तो ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है और मुझे इसमें काफी पावर भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं मेरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो मुझे लगता है ये टीम क्वालिफाई नहीं करेगा टॉप चार के लिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है ये टीम गेंदबाजी की वजह से टॉप चार में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आपकी राय जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।